उत्तर पश्चिम दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में रोहिणी सब डिवीजन जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया गया। देश भर में कोरोना की लड़ाई के बीच कई महीनों के बाद कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है। सरकार द्वारा जल्द ही लोगों को वैक्सीन देने की तैयारियां शुरू की जाएगी। इससे पहले प्रशासन द्वारा इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं ताकि सुगम और व्यवस्थित तरीके से लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके और हर जरूरतमंद लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच सके। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद जगह जगह इसका ड्राई रन किया जा रहा है। इसी फहरिस्त में उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन के नेतृत्व में रोहिणी सब डिवीजन द्वारा दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में बुधवार 6 जनवरी को वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस दौरान किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा इसको लेकर अभ्यास किया गया। प्रवेश से लेकर रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन तक चरणबद्ध तरीके से हर स्तर पर अभ्यास किया गया। आज डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट ने अपने सब डिविजन्स में वैक्सीनेशंस कराने का ड्राई रन किया। रोहिणी सब डिविजन में दो साइट्स चूज की गई थी, राजीव गांधी हॉस्पिटल और संजय गांधी हॉस्पिटल। इन दोनों में सेंटर्स बनाए गए थे और वैक्सीनेशंस कराने के सारे स्टेजेस पर रिहर्सल की गई। बहुत अच्छे ढंग से ये सारा ड्राई रन हुआ। इसमें जो पर्सन आएंगे वो सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए। उन्हीं लोगों को उनके आईडी प्रूफ देखने के बाद वैक्सीनेशन दी जाएगी। वैक्सीनेशन में वैक्सीन होते हुए उनको 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे और फिट होने के बाद ही उन्हें वहां से बाहर भेजा जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए रोहिणी एसडीएम मीना त्यागी ने बताया कि जल्द ही लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन आ जाएगी और इसी को लेकर इससे पहले ड्राई रन चलाया जा रहा है ताकि हर परिस्थिति पर तैयारियां पूरी तरह से की जा सके। इसी कड़ी में संजय गांधी अस्पताल और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। एसडीएम मीना त्यागी ने बताया कि हर परिस्थिति पर इसका अभ्यास किया गया और इसका बेहतर अनुभव रहा। एसडीएम ने बताया कि हर चरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इमरजेंसी को लेकर भी सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीएम मीना त्यागी ने बताया कि जल्द ही वैक्सीन सभी लोगों को मुहैया कराई जाएगी, लेकिन सबसे पहले ये कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हेल्थ वर्कर्स को मुहैया कराई जाएगी। जैसे ये नई वैक्सीनेशन है और बहुत तरह की बातें भी उठ रही हैं इसके बारे में, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक एडवर्स इफेक्ट के लिए एक कॉर्नर बनाया गया है जिसमें सारी चीजें अवेलेबल होंगी, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, जो भी इमीडिएट इमरजेंट सर्कमस्टांसिस में पेशेंट की केयर करने के लिए चाहिए होती है वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी। इस तरह को इसको AEFI काउंटर कहा गया है। वैक्सीनेशन थोड़ी देर में ही, कुछ दिनों में वैक्सीन हम रिलीज हो जाएगी। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को चुना गया है जो इस लड़ाई में बिल्कुल फोरफ्रंट पे थे। बहरहाल जगह जगह कोरोना वैक्सीन पर ड्राई रन चलाया जा रहा है ताकि हर चरण पर इसका अभ्यास किया जा सके और कहीं कोई कमी रह जाए तो उस पर समय रहते सभी पुख्ता इंतजाम किए जा सके। हालांकि अभी तक ड्राई रन में कहीं कोई शिकायत की खबर सामने नहीं आई है, लिहाजा देखना लाजमी होगा कि कब तक यह कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।